उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कैराना से समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद भारी ऊहापोह की स्थिति है। कहा जा रहा है कि सपा अब नाहिद की बहन इकरा हसन को कैराना से अपने टिकट पर चुनाव लड़ाएगी। वैसे इकरा इसे अफवाह बताकर दावा कर रही हैं कि अब भी कैराना से सपा कैंडिडेट उनके भाई नाहिद ही हैं। भाजपा झूठा प्रचार कर रही है। इकरा अपने भाई के पक्ष में उनके समर्थन में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। आइए जानते हैं कि इकरा हसन के बारे में सभी बड़ी बातें। इकरा हसन कैराना से सांसद रहे मरहूम मुनव्वर हसन की बेटी और दो बार विधायक रहे नाहिद हसन की बहन हैं। 28 वर्षीय इकरा हसन ने लंदन से पढ़ाई की है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद लंदन का रुख करा और वहाँ इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई की है। इकरा ने दिल्ली के श्रीराम लेडी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। हाल ही में वो कैराना लौटी हैं और अभी भाई नाहिद हसन के लिए प्रचार में तनमन से जुटी हैं। इकरा दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण चर्चा में आई थी। एक प्लेकार्ड लिए लंदन उच्चायोग के सामने खड़ी इकरा की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। तब नाहिद हसन ने इस बात की पुष्टि की थी कि तस्वीर में दिख रही लड़की उनकी बहन इकरा ही हैं। इकरा ने CAA के खिलाफ हिंसक विरोध करने वाले दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में लंदन उच्चायोग के सामने प्लेकार्ड लेकर खड़ी हुई थी। प्लेकार्ड में लिखा था, जामिया और AMU के छात्रों के समर्थन में CAA, NRC और अराजकता को खारिज करो। इकरा का खानदान लंबे समय से राजनीति में है। उनके दादा अख्तर हसन ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लोकसभा चुनाव में 2 लाख मतों के अंतर से हराकर सांसद बने थे। उनके बाद उनके पुत्र यानी इकरा के पिता मुनव्वर हसन कैराना ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़े मशहूर हुए थे। वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रहे। दिसंबर 2008 में एक शादी समारोह से लौटते वक्त सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। इकरा की मां तबस्सुम हसन अपने पति मुनव्वर की मौत के बाद सांसद बनी। फिर उनके बेटे नाहिद 2 बार कैराना से विधायक बने। खुद इकरा 2015 में ही पंचायत चुनाव लड़ती आ रही हैं। उस वर्ष जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में इकरा हसन ने वार्ड 14 से चुनाव लड़ा था और उनकी मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन वार्ड 10 से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। नाहिद और इकरा सगे भाई बहन हैं। नाहिद पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें गैंगस्टर एक्ट के एक केस में तब गिरफ्तार कर लिया गया जब वो विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन करवाकर लौट रहे थे। इकरा और नाहिद हसन के परदादा बुंदू और वर्तमान में कैराना सीट से BJP की उम्मीदवार मृगांका सिंह के पिता हुकुम सिंह भाई हैं। दरअसल 120 साल पहले कैराना का प्रभावी जाट परिवार का एक हिस्सा इस्लाम कबूल कर लिया था। एक ही परिवार जब हिंदू मुस्लिम दो परिवारों में बट गया तो दोनों की राजनीति भी दो ध्रुवीय हो गई। नाहिद और इकरा के परिवार को जहां इलाके के मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाता है, वहीं मृगांका का परिवार हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले कुछ दशकों से इन्हीं दोनों का परिवार इलाके की राजनीति पर राज कर रहा है। मृगांका के पिता चौधरी हुकुम सिंह BJP के टिकट पर 2014 में कैराना से सांसद चुने गए थे। NBT रिपोर्ट।